बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम थी ये ट्रुथ टेबल में गिवन है, चार वेरिएबल्स हैं इसमें। इस ट्रुथ टेबल के लिए हमें मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स, तीसरा पार्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन चाहिए, फिर वेव फॉर्म डायग्राम बनानी है, देन लॉजिक डायग्राम। उसके बाद लॉजिक डायग्राम बनानी है सिर्फ नैंड गेट्स यूज़ करते हुए। फिर हमें कार्नोफ बनाना है, कार्नोफ मैप बनाना है। कार्नोफ मैप से हमें निकालनी है मिनिमल एसओपी इक्वेशन, ठीक है। और फाइनली इसे कैनोनिकल फॉर्म में हमें एसओपी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले हम ये फाइल कहीं सेव कर लेते हैं। चलिए जनाब, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रुथ टेबल हमें क्या कह रहा है। चार वेरिएबल्स हैं और इनका आउटपुट है एक्स, ये हमें गिवन है। एक्स हम देखें तो 0001, 0001, 40441, ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक। अच्छा, पहले तो हम काम ये करेंगे सबसे कि एक और टेबल बनाते हैं। टेबल इंसर्ट करते हैं और सात रोज और 17 कॉलम्स का टेबल बना लेते हैं। तब मिडिल में थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं, ए बी सी डी एक्स। या हम लेंगे मिन टर्म्स और यहाँ मैक्स टर्म्स, ठीक है। चलिए जनाब, अब हम इसको फिल करते हैं। टेबल मैंने फिल कर लिया, इनपुट्स और आउटपुट्स आ गया मेरे पास। अब हम बात करेंगे मिन टर्म्स की। देखिए, हम जानते हैं मिन टर्म्स क्या होती हैं, जो प्रोडक्ट टर्म्स की फॉर्म में हो, ठीक है। अब अगर हम देखें मिन टर्म्स हमें चाहिए कहाँ, जहाँ पे भी हमारे पास आउटपुट एक्स वन है, राइट। 3, 4, 5, 6, ये 6 हमें हमारे पास मिन टर्म्स होंगी। लेकिन थोड़ा सा और मैक्सिमाइज कर दूं, फॉर कंप्लीशन मैं सारे मिन टर्म्स लिखूंगा। अलबत्ता हम पिक सिर्फ उनको करेंगे जहां पे एक्स हमारे पास 1 है, 6, 7, जो कि 0 से लेके 15 तक हमारे पास मिन टर्म्स आएंगी। 13, 14 एंड 15, लेकिन इनमें से हमारे हमें चाहिए कौन सी, जस्ट वन मिन टर्म कैसे निकलेगी, वी नो। मिन टर्म के केस में हमें जहाँ वैल्यू 0 होती है वेरिएबल की, उसको नॉट करना होता है। जहाँ वैल्यू 1 है उसे हमें सेम रखना है, बिकॉज इन सब का सम हमारे पास, इन सब का प्रोडक्ट हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक। तो इसकी मिन टर्म पे आ जाते हैं, ये बनेगा हमारे पास ए, मैं नॉट के लिए एक टिक साइन यूज करूँगा, ए नॉट बी नॉट सी डी, ठीक। तो
थोड़ा रूम देते हैं हम अपने कॉलम्स के लिए। ठीक है, M3 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें M7 चाहिए। M7 आ गया हमारे पास A0 B C एंड D। ठीक, देन हमारे पास M12 है, ये बन जाएगा A B C0 D0 A B C0 D A B C D0 और A B C D। तो ये हमारे पास सारी मिन टर्म्स आ गई, यानी x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एज सम ऑफ दीज मिन टर्म्स, सॉरी ए बी सी नॉट डी नॉट। ठीक, थोड़ा फॉर्मेट आउट हो गया। ओके, तो ये मिन टर्म्स आ गई। अब मैक्स टर्म्स की बात करते हैं। मैक्स टर्म्स क्या बताती है हमारे पास, हमें प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है। ठीक है, लेकिन सम के कहाँ पे, जहाँ हमारे पास एक्स 0 है। ठीक, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू इनो के, यहाँ हम डॉट नहीं करते, ये रहेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, इसी तरह इन सी नॉट डी नॉट A M2 है और M3 हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। एक्चुअली मैं वो पहले से लिख देता हूँ जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे। M4 हमारे पास है A B0 प्लस C प्लस D प्लस डू इट मोर, M4। ठीक है, 5 ही बात कर लेते हैं। A B0 C डी नॉट M6 A B0 C0 D M7 M8 B प्लस C प्लस D
ए नॉट कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमारे पास आ गई मिड टर्म्स और मैक्स टर्म्स। तो हम चाहें तो यहाँ पे इसको चलो, मैंने आइसोलेट करने के लिए यहाँ कॉपी कर दिया है। सेम टेबल में यहाँ पेस्ट करूँगा, मैं शो कर देता हूँ ऐसे मैंने क्या रखा। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दीज टर्म्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग। पहले मैं लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा आउटपुट एक्स है, दैट्स इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? इन सारी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट टर्म्स का सम होगा, और ये मेरा कहलाएगा देन एसओपी फॉर्म। एक्चुअली मैं ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, ये मैं आ रहा हूँ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म पे। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि मैक्स टर्म्स भी मौजूद हैं, तो हम बहुत आराम से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम भी निकाल लेंगे। ठीक, एक्स हमारे पास प्रोडक्ट आएगा सारे समीशंस का, फोर फाइव, तो ये मैंने तमाम 10 की 10 सम टर्म्स निकाल ली, कॉपी कर दी हमारी मैक्स टर्म से, और इन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये है हमारी स्टैंडर्ड POS इक्वेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम, मिन टर्म निकाल लिए, मैक्स टर्म्स निकाल लिए, SOP और POS स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी निकाल ली। अब हमें बनानी है क्या, वेव फॉर्म डायग्राम। अच्छा, वर्ड के ऊपर वेव फॉर्म डायग्राम कैसे बनेगी, ये आप खुद एक बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग सवाल है। हम यूज़ करेंगे टेबल्स, ठीक है। और मैं टेबल बनाऊंगा, मेरे पास है एक्चुअली 16 इनपुट्स हैं, राइट? तीन कॉलम्स चाहिए मुझे, और 4 इनपुट है, 5 हमारे पास आउटपुट है, और एक टॉप रो चाहिए हुई हमें। लेट्स सी,
तीन कॉलम्स और 6 रोज़, ठीक है। अब यहाँ हम T0 सोनी मैं कंप्लीट करता हूँ। तो ये मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया। फिर क्या इसमें वेव फॉर्म में कैसे बनाऊंगा? पहले तो इन सब के बॉर्डर्स में कर देता हूँ। एक्चुअली बॉर्डर हमें चाहिए बॉर्डर्स लगाएंगे तो प्रॉब्लम ये है, मैं तो बॉर्डर्स रिमूव करता हूँ, ठीक है। इनको हम बॉर्डर्स दोबारा दे देते हैं। देखो आखिरी टेबल बचा है, इसको हम बॉर्डर देंगे सिर्फ मिड में, वो भी हमें सॉलिड लाइन नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें बॉर्डर्स चाहिए जो हमने बना दिए हैं, इसके बाद मैं वेव बनाना शुरू करूंगा। ये मेरे पास 4 मरतबा 8 मरतबा 0 है, 2 है और 8 मरतबा हाई है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ। एक तरह से हम स्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं ये कंप्लीट करता हूँ और अनपॉज फिर प्ले करता हूँ। ओके, तो ये वेव फॉर्म कंप्लीट हो गए हमारी। अब मैं देख सकते हैं ए की जो सिग्नल की वेव बनाई है उसमें लो दो एंड सो ऑन, और यहाँ पे फिर हाई हो गया। देन वी हैव लोज एंड हाइज, लोज एंड हाइज डी तक तो मेरे पास आ रहे हैं इनपुट्स। अब उसके बाद मैंने आउटपुट कैसे फिल किए, एक्स को आप देखें, लो लो एंड लो, फोर्थ वन इज हाई, यहाँ पे भी यहाँ वन आएगा, पता नहीं जीरो क्यों था। थ्री लोज हाई, थ्री लोज हाई, फोर लोज एंड फोर हाइज, थ्री लोज हाई, थ्री लोज हाई। इसको मैं कलर दे देता हूँ ताकि पहचानने में आसानी रहती है। आउटपुट है ठीक है, 4 लोज और 4 हाई।
तो यहाँ हमारी बन गई वेव फॉर्म डायग्राम। इसके बाद हम मूव करेंगे लॉजिक डायग्राम पे, लेकिन लॉजिक डायग्राम से पहले जो हम काम करेंगे वो है कार्नोफ मैप। उसका रीजन क्या है? देखिए, कार्नोफ मैप हमें पहले ही मिनिमल एसओपी प्रोवाइड कर देगा। हमारे पास यहाँ पे जो एसओपी है ये मिनिमल नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कार्नोफ मैप के थ्रू हम मिनिमल एसओपी निकाल सकते हैं। पहले वो मिनिमल एसओपी निकालते हैं, इसके बाद लॉजिक डायग्राम बना लेंगे। ठीक, ओके। मैं बनाने के लिए तो थ्रीबल तो है हमारे पास, कार्न ऑफ मैप के लिए, और हम टर्म्स भी निकाल चुके हैं, तो बहुत इजी रहेगा। हमें पता है कि चार वेरिएबल्स हैं। चार वेरिएबल्स का मतलब है 4x4 का, यानी 2 की पावर 4 इज 16। तो 16 सेल्स का हमारे पास एक टेबल बनेगा टूथ के मैप के लिए, मतलब चार रोज और चार कॉलम्स। तो मैं यहाँ एक टेबल, एक्चुअली मैं एम टी के टेबल कॉपी करता हूँ प्रेजेंटेशन पे और यहाँ लेके आता हूँ। ये के मैप मैंने पेस्ट भी कर दिया और प्रीफिल भी कर दिया, ए बी सी और डी के जो वेरिएबल्स थे। दोनों कन्वेंशन है, आप चाहे तो ए नॉट बी नॉट इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 0 0 भी कर सकते हैं, इसको 0 1। वन जीरो कोई इशू नहीं है, दोनों सूरतों में यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, बट फॉर कन्वीनियंस बेटर रीडेबिलिटी। ओके, वेरिएबल्स का ही लिख लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम जाएंगे, तो आप दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, चाहे वेरिएबल्स के नाम लिखें, उनके कॉम्बिनेशंस बता दें, या आप जीरो से वन शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल हम ये अप्रोच लेके चलते हैं। हम वापस जाएंगे अपने ट्रुथ टेबल की तरफ। ठीक है, हमें चाहिए वो सारी पोजीशंस जहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है, यानी ए बी सी नॉट और डी नॉट। ठीक है, मैं यहाँ आ गया वापस, ए और बी मेरे पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये रो ए बी सी नॉट और डी नॉट की जरिए, ये रहा, इसको मैंने कर दिया वन। दूसरा मेरे पास ए नॉट बी सी डी, जस्ट ए नॉट बी एंड डी। थर्ड पोजीशन पे है जो मेरे पास M12 है, वो है ए बी सी नॉट डी नॉट। ठीक है, ए बी सी नॉट डी ए बी सी नॉट डी नॉट। ठीक है, यहाँ पे पहले से वन कैसे है, ऊपर क्या था, ए बी सी नॉट डी नॉट, सॉरी। ओ, ये एरर हो गया। ए नॉट बी नॉट सी एंड डी, इसी की करेक्शन हम यहां पे भी करेंगे। ए नॉट बी नॉट सी एंड डी, बट
अल्फा की सबसे मिलेगा, तो हमारे पास ए नॉट बी नॉट सी आएगा यहाँ पे। ये लाजमन आपने करेक्शन कर लेनी है अपनी। अच्छा देन आई हैव ए बी सी नॉट डी, ए बी सी नॉट डी और ए बी सी डी नॉट और ए बी सी डी, ए बी सी नॉट ए बी सी डी। तो हमारे पास जो वो कार्नोफ मैप है ये बन गया। अच्छा अब इस कार्नोफ मैप में हमें क्या करना होगा, हमें इसकी पेयर्स निकालेंगे, पेयरिंग करनी होगी। तो वी नो के हमारे पास पेयर्स बन सकते हैं 2 की पावर में या तो 16, 16 का पेयर या पॉसिबल है नहीं, और अगर 16 का होता तो उसका मतलब था एक्स की वैल्यू 1 है हमेशा। तो 16 का पेयर छोड़ के हम लोग देखेंगे 8 का कोई पेयर है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो भी नहीं है, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 का हमारे पास पेयर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, यहाँ ए और बी कहीं चेंज नहीं हो रहा, अलबत्त सी भी चेंज हो रहा है, सी नॉट, सी नॉट और यहाँ पे चेंज हो गया सी और डी, सी इधर डी नॉट, डी डी नॉट डी सी और डी दोनों चेंज हो रहे हैं। तो मतलब है ये जो हमारे पास पेयरिंग है इसके लिए मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी कार्नोफ मैप के लिए, ए बी। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू ए बी, फर्स्ट टर्म है हमारी, और दूसरी टर्म देख लेते हैं, ये है हमारे पास। और लेट्स सी हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, मैक्सिमम हम 2 का ही पेयर बना सकते हैं, 3 का पेयर नहीं बन सकता, और कोई एडजेसेंट सेल्स में वंस है नहीं जिनके साथ मजीद पेयरिंग की जा सके। तो इसको मैं ब्लू शेड दे दूंगा और इन 2 का मैं देख लूंगा कि जो पेयर बना है उसके लिए टर्म क्या निकलेगी। तो आप देख रहे हैं दोनों में दिस इज ए नॉट बी नॉट, यहाँ पे ए नॉट सेम है लेकिन बी चेंज हो रहा है तो बी निकल जाएगा। यहाँ देखें तो दोनों में सी डी है, मीनिंग ए नॉट सी डी। तो लिहाजा जो मेरी मिनिमम एसओपी है वो क्या निकल आई, ए बी प्लस ए नॉट सी डी, मीन एसओपी भी निकल आई। ओके अब अगला जो काम है वो हम करेंगे सर्किट वर्स नामी वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे इसकी। लेकिन इससे पहले कि लॉजिक डायग्राम बनाएं, पहले ये कैनोनिकल फॉर्म वाला काम कर लेते हैं कि उसका कोई लॉजिक डायग्राम से बराह रास्त ताल्लुक है नहीं। तो कैनोनिकल फॉर्म किसको कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म है और एक टर्म फॉर्म है। हम यहाँ ये कह सकते हैं सम फॉर्म, तो कैसे निकलेगी, ऑल टर्म्स कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ एक्स 1 कब है, जीरो जीरो वन वन हमारे पास इनपुट ही है ना, जीरो जीरो वन वन पे
एक्स वन हो रहा है, इसी तरह 0 1 1 1 पे एक्स वन हो रहा है, तो हम यहाँ ये लिखेंगे 0 0 1 1 और 0 1 1 1 और थर्ड एड डबल 1 डबल 0 एंड ऑन। तो ये जनाब मेरे पास आ गई सारी टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है। दूसरी लाइन हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू, ये टर्म्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो हमने पोजीशंस नोट करनी है। तो M7 नहीं है, M3 है, बस M3 है, M7 है, M12 13 14 15। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एसओपी की, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बेसिकली वैल्यूज क्या पुट करनी है, जो जिन पोजीशंस पे हमारे पास वन आ रहे हैं, या तो हम वो पोजीशंस लिख लें, ठीक है, या फिर जो प्रॉपर तरीका वो क्या है, प्रॉपर तरीका ये है कि जो इनपुट दिया हुआ है ना, इनको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 0 0 1 1 इज 3, राइट, यहाँ 3 आ जाएगा, और 0 1 1 इज 7, यहाँ 7 आ जाएगा, 1 1 0 इज 12। तो ये आप नोट करेंगे जो नीचे इंडेक्स दिया हुआ है ना मिन टर्म्स का, हम एक्चुअली वही लिख रहे हैं। तो अगर आपके पास मिन टर्म सारी आपने निकाल ली है तो यू कैन जस्ट यूज देम, वरना लॉजिक इसकी यही है कि जो आपके इनपुट्स हैं, जो इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं जिन पे आउटपुट वन आ रहा है, आपने उन्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो दिस इज 14 और ये हो गया 15, पूरे को मैं ये हमारे पास आ गई कैनोनिकल फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन की। सिमिलरली कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आप इसी को अगर रिवर्स कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो POS की भी कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपके पास ये POS इक्वेशन है, जहाँ जहाँ भी जिन पोजीशंस के ऊपर हमने यहाँ पे मैक्स टर्म्स ली हैं, उन पोजीशंस को अगर आप इसी तरह से गैदर करें और
मैं इसको अगर कह दूं ये सम फॉर्म है और हम इसी तरह अगर प्रोडक्ट फॉर्म की बात कर लें, प्रोडक्ट फॉर्म नेक्स्ट टर्म्स, ठीक है, डेसिमल। तो इनके अलावा जहां भी हमारे पास मैक्स टर्म जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जो भी पोजीशंस हैं, हम यहाँ नोट करें, उनको कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, और यहाँ जो सिंबल है वो अलबत्ता चेंज हो जाएगा, सिंबल यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट का, थिंक ऑपरेटर्स में ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी तरह प्रोडक्ट जैसे M0 है हमारे पास और M1 है एंड सो ऑन। तो बहरहाल ये सब बताने के लिए ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्ट फॉर्म भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारे पास इक्वेशन आ गई है मिनिमल यूजिंग कार्नोफ मैप। फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा लॉजिक डायग्राम, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ से जंप करूँगा, इंटरफेस चेंज करूँगा और ब्राउज़र के ऊपर मैं आपको शो करूँगा सर्किट वर्स की वेबसाइट, जहाँ पे सिम्युलेटर पे हम लोग ये लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ये वेबसाइट है circuitverse.org/simulator। इसके ऊपर जाएं तो आपके पास ये एक नाइस इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हम अपनी डायग्राम इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे। हमारे पास AB+A0CD। पहले मैं सिर्फ एक टेक्स्ट में पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायग्राम है क्या हमारी। हम बनाए जा रहे हैं AB+A0CD के लिए सर्किट डायग्राम। इनपुट हमारे पास क्या है, AB CD चार इनपुट वैल्यूज हैं, तो मैं चार इनपुट सिग्नल्स दे दूंगा, 1, 2, 3 एंड 4। थोड़ा हम इवन डी स्पेस करेंगे इसको। चार इनपुट्स आ गए और इन चार इनपुट सिग्नल्स के बाद हमें अब डिजाइन करना है सर्किट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पहली टर्म को उठाते हैं ए और बी, जिनको मैं लेबल दे दूं पहले, ए ए ये बी है सी और ये डी। ए और बी के दरमियान हमारे पास एंड है, गेट्स पे आ गए, एक एंड गेट लिया हमने और इनको हमें पुट करना है ए और बी के दरमियान। तो दिस इज ए, ये बी है, ठीक है। जो भी आउटपुट है पहले हम यहाँ पे आउटपुट्स का कलेक्ट कर लेंगे। दूसरा पार्ट है हमारे पास A-CD A0 CD, A0 C और D, इन तीनों के दरमियान हमारे पास प्रोडक्ट हो रही है। तो C तो मेरे पास ये आ गया, D आ गया और तीसरा मेरे पास है A0। इसका मतलब है मैं इनपुट साइज लूंगा तीन, तीन इनपुट सिग्नल्स हैं मेरे पास इस केस में। मैक्सिमाइज इट थोड़ा सा ताकि बेहतर विजिबल है। अच्छा, हमें ए नॉट भी चाहिए, तो ए से हम एक और नॉट सिग्नल निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ ए ए नॉट एक बना देता हूँ और ए नॉट का मैं आउटपुट दे दूंगा यहाँ पे। इसको अगर मैं लेबल ले लूँ AP और ऑन टॉप ऑफ इट
अभी जस्ट हैपेंड। ठीक, सारे सिग्नल्स पहले मैं जीरो कर दूं, और यहाँ मैंने आउटपुट कलेक्ट कर लिया। इन दोनों का आउटपुट हमारे पास और हो रहा है, तो हमने एक और गेट भी लगा दिया यहाँ पे। और इसका आउटपुट हम लोग कलेक्ट करेंगे, और ये कहलाएगा हमारे पास एक्स डायरेक्शन। आउटपुट को हम लोग सॉरी चेंज कर दी, गलत आ गई। ओके, ये हमारे पास सर्किट बन गया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? हम चारों इनपुट्स टर्न ऑन करके देखेंगे, टर्न ऑफ करके देखेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे जहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 आना चाहिए। लेट्स गो ओवर हियर। हम यहीं से देख लेते हैं ए बी सी और डी, या ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं। तो बारह ए बी 0 है, सी और डी 1 है। ठीक, लेट्स डू दैट। सी और डी इन दोनों के 1 होने पे मेरे पास आउटपुट 1 आ गया। ठीक, बी सी और डी ये तीनों अगर 1 हो तो भी मेरे पास आउटपुट 1 है स्टिल ऑब्वियसली। ए और बी सिर्फ ए और बी मैंने ऑन किया, आउटपुट 1 है। ए बी सी और ए बी सी डी तो ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज और एक जगह अगर ऑन है तो दोनों सूत्रों में ऑन होना चाहिए। तो सारी कंडीशंस जहाँ पे 1 हमारे पास होना चाहिए वहाँ पे 1 है। इसकी थॉरो टेस्टिंग तो ये होगी कि आप चारों ऑल 16 इनपुट सारे इनपुट स्टेट्स को टेस्ट करें, पूरा टेबल मैच करें, लेकिन हम अभी तक यही रखते हैं जस्ट फॉर बीइंग कंसाइज। तो लॉजिक डायग्राम हमारे पास यहाँ बन गई, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हमारे पास लॉजिक डायग्राम हो गया। ठीक है, और ये हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि इसी लॉजिक डायग्राम को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। ठीक, अब हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी गेट हो एंड और नॉट, उसको हम नैंड गेट्स से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 और 2 और 3 गेट्स। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे। जितने हमारे पास ये गेट्स लगे हुए हैं इस वक्त, ये किस फॉर्म में है? ए ओ आई फॉर्म में, एंड और इन्वर्टेड, एंड गेट और गेट और इन्वर्टर गेट, यानी गेट। इन सारे गेट्स को हमने रिप्लेस करना है और हमें लगाने हैं उनकी जगह नैंड गेट्स। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। हम करेंगे ये जो इनपुट्स हैं ए बी सी डी, इन्हीं को रीयूज करेंगे, और आउटपुट अलबत्ता हमारे पास अलग होगा, हमें मैच करना है आउटपुट
दोनों सेम होने चाहिए, नैंड गेट सर्किट का और हमारे ओरिजिनल सर्किट का। तो ये काम कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ बढ़ें, हम पहले फॉर रेफरेंस एक काम से पहले ये कर लेते हैं कि एंड नॉट और की जो रिप्रेजेंटेशन है नॉट यूजिंग नैंड गेट्स, पहले हम वो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट हो और सेम इनपुट की दोनों लीड्स हम लोग अगर पास करें नैंड गेट को, तो आउटपुट हमारा आता है, सॉरी तो हमारा आउटपुट क्या होता है, इन्वर्ट। ये नॉट रिप्रेजेंटेशन हो गई, नॉट इक्विवेलेंट हो गया नेंट यूज करते हुए, तो वन की जगह आप देख रहे हैं इन्वर्ट हो रहा है, जीरो जीरो इज कमिंग वन, ये हो गया नॉट। अच्छा, अब हमारे पास जब एंड आता है तो एंड को हम किस तरह से रिप्लेस करते हैं यूजिंग नैंड गेट्स। एंड हमारे पास दो इनपुट्स हैं, दिस इज फर्स्ट वन, ये दूसरा इनपुट है, और हम दो नैंड गेट्स इन सीरीज यूज करके ये इसी का आउटपुट हम लोग कलेक्ट करते हैं। वन जीरो जीरो, जीरो वन इज जीरो बट वन वन इज वन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एंड गेट यूजिंग नैंड ओनली। और गेट के लिए हमें पता है कि अगेन दो इनपुट्स ले लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और की केस में तीन गेट्स यूज हो रहे हैं, एंड फाइनली इन दोनों का जो आउटपुट होगा, फिर इनके दरमियान एक नैंड गेट मजीद हम ऐड करते हैं, और इस तरह से हमारे पास आउटपुट आता है वन का, तो वन जीरो इज वन, जीरो वन इज वन, वन वन इज ऑल्सो वन, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो गए नॉट एंड और के। अब हम इसी सर्किट को लेके चलते हैं, और एक्चुअली एक छोटा सा ये कर लें कि थोड़ा सा इसको रूम दे दें ताकि यहाँ से हम लोग इनपुट्स ले सकें ए बी सी और डी से। इस नॉट को देखें, हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं पहले इससे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो मैं इनपुट्स ले लूँ सारे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ताकि हम इनको यूज कर सकें नीचे दूसरे इक्विवेलेंट सर्किट में। ओके, तो लेट्स फर्स्ट रिप्लेस ये वाला जो नॉट है इसको,
को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ए से पोजीशनिंग इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि विजिबल रहे। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा ए नॉट, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इस एंड की, इस एंड को रिप्लेस करने के लिए हमें दो नैंड गेट्स चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे इसको फिलहाल रिमूव करो, यहाँ पे रख लिए। यहाँ पे एक इनपुट तो आ रहा है बी से और दूसरा आ रहा है ए से, सो दिस इज ए एंड बी। ये मतलब ये जो मेरे पास ए है ये और ये ए नॉट है, यहां मैं ब्रिंग इट डाउन ताकि कन्वीनियंस रहे हमारे पास। ये ए है, ए से ही हम एक यहां पे देंगे इनपुट और बी से यहां देंगे इनपुट, इनको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये बी है और इस ए से हम एक और इनपुट देते हैं ए एंड बी, ये हो गया मेरे पास। यहाँ ए एंड बी लेवल डायरेक्शन अप, यहाँ मैं आउटपुट ले लूंगा। अब हमारे पास एक ये एंड रह गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ड्यूल इनपुट एंड के बजाय हम लोग यूज करेंगे थ्री इनपुट एंड्स, ठीक है। और यहाँ पे तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम सेम चीज ही आ रही है हमारे पास, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी हम ये काम कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास ए नॉट बी और सी है, ए नॉट यहाँ आ रहा है, इसको लेबल दे देते हैं हम लोग, ए नॉट है ए नॉट so this is not b c, this is c and d। oh label galat likha hua tha, a not c and d, isko yahan pe diagram ko bhi update karna padega, but we'll come to that later। okay c is this line, D is this line, तो ये D आ गया और ये C आ गया। यहाँ पे neatness बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे हमारा circuit complex होता जाता है ये we keep losing track। तो बहरहाल मैं ये काम कर सकता हूँ कि तीनों input ऐसे, तो वैसे मैं दो भी देता तो एक ही बात थी। anyway ये मैंने आउटपुट कलेक्ट कर लिया और अब आखिर में इन दोनों के दरमियान है मेरे पास और गेट, और गेट के लिए मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके मैं आ गया।
थिंक, एंड ओवर हियर इसकी भी इतनी जरूरत थी नहीं, डायरेक्ट इसको इसमें ये प्रॉब्लम है कि बार बार आपको डिलीट करना पड़ता है अगर कुछ गलत किया हो तो। ओके, लिहाजा ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। हम एक आउटपुट और निकालेंगे यहाँ पे, और करना ये हमें इन दोनों आउटपुट्स को मैच करना है। बेसिकली जिस इनपुट पे यहाँ पे वैल्यू 1 है उसी इनपुट पे यहाँ भी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज ये इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे। फिर तो हम एक ट्राई करते हैं, 1 1 इज वी सी 1 1। इसी तरह हम ट्राई करते हैं सी और डी, हमने कहा था 1 होंगे तो ये तो भी ये दोनों 1 है। बाकी भी इनपुट आप इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं जितने भी इनपुट्स हैं। ठीक, तो यहाँ हमारे पास इक्विवेलेंट डायग्राम भी कंप्लीट हुई यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। अब ये हो सकता है कि मजीद रिड्यूस भी हो सकती हो, उसमें कुछ नैंड रिडंडेंट हो वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे। सीधा सीधा हमने गेट्स को उठाया और उनको रिप्लेस कर दिया। ठीक, ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई इशू, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन हो तो आई एम अवेलेबल ओवर ईमेल एज वेल एज स्लैक। ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन है और दैट्स इट। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।